सिरमौर के गांव नई हट्टी के समीप सोलन पुलवाहल रोड पर बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से दो महिला समेत छह लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना में 13 घायलों को सोलन अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक करीबन 4 वर्षीय बालक ने सोलन में आकर दम तोड़ दिया। घायलों में से एक महिला और पुरुष को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना से एक मोड़ पहले ही एक भाई बस से उतरा तो दूसरा भाई बस पे चढ़ा था और घर पहुंचने से पहले ही बस के गिरने की खबर पहुंच गई। वे उल्टे पांव घटनास्थल पर पहुंचा तो चीखों पुकार और अफरा तफरी का माहौल देखा तो अचानक उसकी नजर अपने भाई पर पड़ी, जिसकी सांसें चल रही थी। तब उसकी जान में जान आई। तब तक ग्रामवासी भी वहां पहुंच चुके थे और बचाव का कार्य आरंभ कर दिया था। वहीं भगनाल कोच के मालिक विनय भगनाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 घायलों को अस्पताल लाया गया है, जहां एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। मैं ऊपर से बस में आ रहा था, मैं नीचे उतर गया और फिर उसमें घर पहुंचा, उतने में थोड़ा फोन आ गया, लोग बस गिर गई। मैं उसमें नाम मेरा भाई था और कुछ लोग उसमें बहुत थे, गिर गए हुए उसमें अंदर मर गए, तो बच्चा भी था छोटा, दो तीन लोग यहाँ पर जितने बच्चे थे यहाँ पर आ गए। ये बस पैनकुफर से सोलन आ रही थी और शरगांव के बाद दबून जगह है, वहाँ पे इसकी एक्सीडेंट हो गया हुआ और इसमें टोटल 26 लोग थे। सोलन में 16 लोग पहुँच चुके हैं और 7 लोगों की डेथ हो चुकी है, उनका इलाज चल रहा है। एक बच्चे की उनकी माँ की भी डेथ हो चुकी है, पहचान हो गई है जी। गौरतलब है कि ये निजी बस भगनाल कोच की थी, जिसमें 26 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस अचानक पीछे से खिसकने लगी, जिस पर बस चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और खाई में जा गिरी। अब ये बस पीछे क्यों लुढ़की और उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया, इसकी जांच जारी है। SDM राजगढ़ पुलिस के साथ मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू किया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बस के नीचे कुछ सवारियां दबी हो सकती हैं।